इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने वजीर आला का हल्फ उठाया। एक तरह से जो ख्वाब 20 साल पहले शिवसेना ने देखा था आखिर हकीकत में तब्दील हो ही गया। उसके लिए बहुत सारे पैंतरेबाजी भी करनी पड़ी। खैर, भाजपा को तो औंधे मुंह पड़ना था, और ना सिर्फ महाराष्ट्र में, देश में भी मोदी शाह फडणवीस को जिल्लत उठानी पड़ रही है। कई सियासी माहिरों का कहना है कि भाजपा मोदी शाह का इसी जिल्लत से जवाल शुरू हुआ। दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्व की हिमायत करने वाली शिवसेना को इख्तदार हासिल करने के लिए सेक्युलर बनना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह भांप लिया था कि अगर हम इसी तरह से भाजपा का साथ देते रहेंगे तो यह हमें निगल लेगा। लिहाजा इनसे अलायदगी ही बेहतर हो सकती है, और इसके लिए मौका भी हासिल हुआ। भाजपा शिवसेना ने इत्तेहाद के साथ इंतखाबात तो लड़े, पर वजीर आला के अहदे पर इत्तेफाक नहीं हो पाया। इसी का फायदा उठाते हुए सियासी सूझबूझ रखने वाले शरद पवार ने ऐसा खेल खेला कि अमित शाह, जिसे चाणक्य कहा जाता था, होशियारी इसकी धरी की धरी रह गई। भाजपा के पूरे खेमे में हुआ तो कैसे हुआ समझ में नहीं आया। सियासी धुरंधर शरद पवार ने गोया फिल्मी किरदार की तरह अजीत पवार को भाजपा के खेमे में भेजा, और सिर्फ 80 घंटे का तमाशा कर अजीत पवार लौटे तो महाराष्ट्र की तस्वीर ही बदल चुकी थी। बेदाग फडणवीस ने दागदार अजीत पवार को गले लगाया। अजीत पवार ने फर्जी दस्तखत के कागजात पेश किए, जिस पर एतमाद कर देवेंद्र फडणवीस और खुद अजीत पवार ने गवर्नर को सुबह सुबह साथ लेकर, जबकि पूरा महाराष्ट्र अभी नींद से जागा भी नहीं था, तब हल्फ उठाया गया। इसी खुशी में अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट भी दी गई। 90,000 करोड़ के घोटाले का दाग धोकर अजीत पवार ऐसे वापस लौटे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे फिल्मी नज़ारे के डायरेक्टर शरद पवार इत्मीनान में थे, इसलिए कि जो भी हो रहा था वो मुनज्जम प्लान के तहत हो रहा था। जब शिवसेना के संजय राउत को फडणवीस की रातों रात बनी सरकार पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शरद पवार को समझने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इन्हें भी पता था कि कुछ होने वाला है, और हकीकत में हुआ भी ऐसा ही। अमित शाह की होशियारी और साजिश नाकाम हो गई, जो हर जगह पर फरेब से हुकूमत बनाने के आदि मोदी शाह को महाराष्ट्र इतना महंगा पड़ा कि आने वाले दिनों में बचे कुचे रियासत भी निकल जाने के रास्ते खुल गए। 2018 में तकरीबन भारत पर कब्जा जमाने वाली भाजपा या मोदी सरकार से अब सिर्फ कुछ ही रियासत बचते नजर आ रहे हैं। साउथ में भी कर्नाटका खिसकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाई इलेक्शन में कांग्रेस दोबारा सीट जीत सकती है। 15 में से 3 या 4 ही भाजपा जीत सकती है, ऐसा सियासी माहिरीन का कहना है। अगर कर्नाटक से भाजपा जाती है तो दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो जाता है। उत्तर में भी 3 बड़े रियासत मध्य प्रदेश, राजस्थान और अभी हाल ही में महाराष्ट्र से भाजपा को गोया भगाया ही गया। हिंदुत्व, राम मंदिर या एनआरसी जैसे मुद्दों में देश की आवाम को दिलचस्पी नहीं रही। हिंदू मुस्लिम खेल से आवाम तंग आ चुकी है। रोटी कपड़ा और मकान का मुतालबा किया जा रहा है। मुफ्त एजुकेशन के बजाय बढ़ती फीस, महंगाई ने देश की जनता को बेहाल कर दिया। अगर यही अच्छे दिन है तो पुराने वाले बुरे दिन ही लौटा दो, ऐसी पुकार लगाई जा रही है। हर रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा फैसला मोदी हुकूमत की जानिब से लिया जा रहा है, और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र की जनता ने मोदी सरकार के हक में फैसला नहीं दिया। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने बेहतर मुजाहरा किया। भाजपा का घमंड, गुरूर, तकबरी और मनमानी फैसलों को आवाम ने इनकार करना शुरू कर दिया। अब तो झूठ मूठ की अफवाह फैलाने वाली गोदी मीडिया के खिलाफ भी जनता का गुस्सा देखा जा रहा है। आज तक रिपब्लिक टीवी, जी टीवी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया है। तानाशाही के खिलाफ आवाज उठना अब दिखाई दे रहा है। बेवजह मुकदमों के खिलाफ भी बोलना शुरू हुआ है। जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी से नौजवान लाठियां भी खाकर अजियतें बर्दाश्त करके खुलकर बोलने की हिम्मत यहाँ के नौजवान कर रहे हैं, तलबा और तालिबात कर रहे हैं। मोदी सरकार की तानाशाही का रद्देअमल नजर आ रहा है, और शायद इसी का नतीजा है कि अब मौजूदा सरकार की मुखालफत में आवाजें बुलंद हो रही है और सरकार भी बदली जा रही है। अब जनता हिंदू राष्ट्र के झांसे में नहीं आने वाली, और ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र जो खतरे में था वो फिर से इस देश में मजबूत होता नजर आ रहा है। हर रियासत की रियासती पार्टियां उरूज में आएंगे, और एक बार फिर से देश सही मायनों में तरक्की की तरफ गामजन होगा, और इसी में देश का फायदा और भलाई नजर आ रही है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।